तो अभी बज रहे रात के 3:30 और हम लोग जा रहे हैं लेने आए एयरपोर्ट पे। तुम लोग को डेकोरेशन दिखाता हूँ। तुम लोग समझ ही गए कि कौन आ रहा है। ठीक है, तो मेरे घर से एयरपोर्ट अभी 1.5 घंटा दूर है और फ्लाइट कुछ 5 बजे की है, तो 3:30 बजे है अभी, तो मैं निकलता हूँ। तो आतिफा मैडम ने कुछ यहाँ पे भी बलून रखे हैं। आतिफा मैडम जी, क्या कर रहे हो? मैं अपने लिए रिंग देख रही हूँ जो मेरे पास में है। ये कपड़े से मैचिंग, ये रिंग पहनना था बट पहन भी मैं। दीपा मैडम का आउटफिट आज का ये है। मैं अभी दिखाऊंगी पूरा रेडी होके। ठीक है, हटो हटो। और तुम्हारे भाई का आउटफिट तो आज ये है, ये पैंट टी शर्ट के बाद ये जॉकेट। ठीक है, ये शूज पहन लगा कि ये चार चांद लगा देगा वो शूज। ठीक है, कितना अजीब दिख रहा है। सही दिख रहा है काफी। ऑर्डर लगाया है पूडर स्मार्ट। इतना हम लोग तो कभी किसी को देखे ही नहीं। कभी फोटो खींच के रख लो लड़की को भेजने के लिए। हाँ, तो रियल में बहुत गंदा लग रहा है क्योंकि पूरा व्हाइट व्हाइट, कैमरे में थोड़ा अजीब लग रहा है। साइड भी दिख रहा है और साफ भी नहीं होगा इतना भर के जो लगाया है। दोस्तों मैं लगाने जा रहा हूँ, मेरा मैक मैकिया परफ्यूम है वो। बगल से लगाएंगे यार, थोड़ी बास कम आवे। किधर हो गया? शरीर में नहीं मारना होता इसको, कपड़े पे मारना होता है। अंदर बनियान पहना उस पे मार रहा था ये लड़का। पाउडर सही का हस्ती का हस्ती ब्रो, यो ब्रो हस्ती का हस्ती है ब्रो। अरे वो हस्ती ब्रो ऐसा नहीं करता, ऐसा करता है बड़ा आया हस्ती का हस्ती ब्रो। सब हो गए ले गरीब अपन अमीर है ब्रो। ए हट ना रे बाबा, हस्ती का हस्ती ब्रो कितना प्रमोट करेगा बस कर स्टैंड का गाना। हस्ती का हस्ती ब्रो, हस्ती का। अभी मेरा एक जूती बाकी है, बस वो पहनना है, बाकी सब रेडी है। हस्ती का बस्ती ब्रो। गुलाब है इसमें। कब मेरे को अपनी घर पे गुलाब देने का मौका मिलेगा पता नहीं। लग रहा ये जन्म पार हो जाएगा, गर्लफ्रेंड बटाने के लिए अगले जन्म में आना पड़ेगा। और जैसे कि तुम लोग जानते हो लेडीज ऑलवेज लेट। हमारा भाई तैयार होके नीचे आ गया है। बट लेडीज कब आएंगी पता नहीं। ये घाट को पेशन का सीनियर नजारा है। घाट को पेशन का सुबह 5:30 बजे का बहुत नींद आ रही थी, गाना सुनते सुनते आए हम लोग दोनों। मेरा गाना चालू है अभी भी चालू है इसका। अभी हम लोग फाइनली एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और अभी मैं जा रहा हूं अराइवल के गेट पे। बाकी तुम लोग सिनेमैटिक देखो एयरपोर्ट का। छोटी लग रही है बहुत।
पाने को, तब तक मैं सोचा कि नेचर कॉल वॉशरूम जाके आता हूँ। हमारा भाई फ्रेश हो गया पूरा प्रॉपरली, और अब देखते हैं क्या सीन है, कितना टाइम है फ्लाइट को आने को। यहाँ पे जो मतलब ये अराइवल के लिए नीचे के साइड जब आएंगे तो खाली ये पानी का वाटरफॉल है, लेकिन जब ऊपर डिपार्चर के जाएंगे ना तो वहाँ का जो ऊपर जो बना है वो अच्छा लगता है। मतलब कि यहाँ की छत तो नॉर्मल है, लेकिन बट ऊपर जो डिपार्चर है जहाँ की छोड़ने आते किसी को, तो वहाँ के लिए वो अच्छा रहता है। उसका व्लॉग आएगा डिपार्चर का भी, छोड़ने वाला भी व्लॉग आएगा। हाँ, अभी नहीं, कुछ सालों बाद आएगा। तो अभी हम लोग वेट ही कर रहे हैं, देखो कब आते हैं अब्बा। रिवील क्यों कर दिया? कल ही रात में रिवील हो गया अभी। एक घंटे का वेट करने वाला अब्बा आ गया। चलो कार में मतलब बुक किया और क्या बोल मंगाए हैं, क्या बोल समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है कुछ, समझ नहीं आ रहा। अभी आ गए कार में, चलते हैं और घर चलते हैं, बहुत ज़्यादा मिल देर हम लोग आ चुके हैं। फाइनली हम लोग बॉम्बे एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। अभी दुबई से इतना से आए हैं और फ्लाइट दूसरी पता है, दूसरी फ्लाइट से आए हैं। एयरपोर्ट में बहुत भीड़ जा रही है, अभी हम लोग टैक्सी के लिए जा रहे हैं। जाने दे, कैसा लग रहा है? अब हम लोग टैक्सी पकड़ लिए है, अभी हम लोग साकिना का सिग्नल तक पहुंचे हैं। अब आगे पता नहीं ट्रैफिक रहेगी कि नहीं। इंडिया कैसा लग रहा है? तो सुबह का टाइम तो ट्रैफिक तो होना नहीं चाहिए, लेकिन देखते हैं, चलो चलते हैं, अपन देखते हैं क्या होता है आगे चल के। अभी हम लोग पवई रोड पकड़ लिए है, एलटी वाला, तो हम लोग जा रहे हैं। इंडिया कैसा लग रहा है? जुड़े रहो हमारे साथ, लाइक और फॉलो करो, फिर मिलेंगे हम लोग। फिर मिलने से पहले ये तो बता दो, इंडिया कैसे लग रहा है? इंडिया नंबर वन है, वतन मेरा इंडिया, सजन मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया। दुबई क्या है फिर? दुबई आल्सो, दुबई नाइस, दुबई नाइस, आई लव दुबई आल्सो। वाह।